वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। एंड हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं थक के साथ। सो रिसेंटली थक यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे फर्स्टली वो यहाँ पर स्काउट के फीचर के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि स्काउट अभी के टाइम पर स्ट्रीमिंग पर इतना एक्टिव क्यों नहीं है, जबकि कुछ टाइम पहले उन्होंने यहाँ 75 डेज चैलेंज भी किया था जो कि अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीट नहीं हो पाया था, बट अभी के टाइम पर वो स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, वो भी चल रहा है। Why Scout is not streaming? Scout is not streaming because he is focusing on esports. अब वो इतना अगर उस चीज़ को लेकर डेडिकेट है तो I have no option but to support him. But obviously it's leading to his downfall in viewership and everything. But I just hope that he comes out as a great player and उसको esports में success मिले. But overall यार क्या कर सकते हैं, मतलब देखो guide कर सकती है गोल्डीवर में, but किसी को force तो नहीं कर सकते। वो एक्टिव नहीं है, आपको दिख ही रहा है, वो ई-स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ठीक है यार। एनी सीसी साइनिंग? नो, नॉट रियली। मान्या नॉट स्ट्रीमिंग, मान्या का चीजें सॉल्व करनी है, कर देंगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर एसीटीएल के रिगार्डिंग अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि एसीटीएल किन किन चीजों में यार बिल्कुल टॉप पर चल रही है एंड कोई भी आसपास नहीं है। ऐसा लगा आप लोगों को काफी कुछ हुआ, हम लोग मोदी जी से मिले, आप लोग ने देखा वो एपिसोड कैसा लगा, आप लोग फैन बेस को एक्टिव एंड इंक्रीज करने पे वर्क क्यों नहीं कर रहे हो? रैंडम भाई आप बताओ, कुछ आइडियाज दिए जो हम लोग नहीं कर रहे। ओनली इंडियन ऑर्ग टू ड्रॉप कलेक्टिबल्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस। मर्च रेगुलर ड्रॉप हमारे ही हो रहे हैं, ठीक है, फैन बेस के लिए हो रहा है ये। वीडियोज कॉन्टेंट हम लोग ही बना रहे हैं, मीट एंड ग्रीट में, चाहे वो कॉमिक कॉन हो, चाहे वो आपका सोशल नेशन हो, चाहे वो कहीं पे भी इंडिया में ऐसा जगह हो जहाँ गेमर्स को बुलाया जा रहा है, वहाँ एस ए ट्वेल्व की गेमर्स जा रहे हैं। बड़े बड़े चीज़ें, चाहे वो मोदी जी से मिलना हो, ये हो, उसमें हमारा ही बोलबाला है, ठीक है। न्यूज़ में, मीडिया में, पीआर में हमारे ही क्रिएटर्स हैं। ई स्पोर्ट्स में सोली है, ठीक है। ओनर रिप्रेजेंटेशन में गोल्डी बाय मॉडल रेगुलर लाइव आ रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली चीज़ों को गोल्डी बाय एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटर्स में सबसे ज़्यादा क्रिएटर जो आज के लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो शायद एस ए ट्वेल्व से ही है, शायद, क्या श्योर हूँ मैं। और क्या करूँ, मतलब इससे ज़्यादा तो डब्लू में, मतलब, और आई डोंट थिंक कि कोई कर सकता है। मेटा डे एडबिट की हो रही है ना, तो मतलब कर रहे यार, मतलब आई थिंक वी आर डूइंग मोर देन वी हैव एवर डन, वी आर एवरीवेयर, एस ए ट्वेल्व इज एवरी फकिंग वेयर। मैं तो पता नहीं कहाँ नहीं है, कैसा कौन कोई मिस हो जाता तो मुझे लगता है कि यार कैसे मिस हो गया, समझ रहे हो आप। हाँ, मतलब ऑल्सो ये नहीं होता गाइस कि सिर्फ व्यूअरशिप या उससे आप एक्टिविटी या फैन बेस की बात करोगे। जो अगर आप सोल की बात करो, जो करंट सोल है, लाइनअप जो है, उन लोग रेगुलर है, बट दिस इज़ नॉट देयर मेन गोल राइट नाउ। उन लोग भी सीख रहे हैं, नए यंग लोग हैं, एस्पावर छोड़ के बाकी लोग को कैमरा शाई भी है, धीरे धीरे सीख रहे हैं उन लोग भी अपनी स्ट्रीमिंग विमिंग करके। थोड़ा ई-स्पोर्ट्स का सीन और बेटर होगा आई थिंक, ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा स्पेशली विथ नॉट बिग टीपीटी टूर्नामेंट्स, टीपीटी इवेंट्स, आई बिलीव दैट कि थोड़ा ऑडियंस का भी इंटरेस्ट कम होता है, बट अभी बीजीएस आ जाएगा वापस, सब कुछ चंगा हो जाएगा। और स्पेशली लास्ट दो मंथ तो एग्जाम्स एग्जाम्स बोर्ड जोड सब कुछ चारों तरफ चल रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई ऐसा स्ट्रेस है। बाकी भाई वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नियो के बारे में। सो रिसेंटली नियो यहाँ पर स्पेक्टेट करते हैं कृष्णा जॉर्ज के पीओवी को, जो कि यार बीजेएस में खेले हुए हैं एंड कृष्णा जॉर्ज के ऊपर काफी हैकिंग एलिगेशंस भी हैं एंड यहाँ पर नियो क्लियर कट स्टेटमेंट दे देते हैं इनके रिगार्डिंग, वो भी क्लिप्स को यार मतलब ज्यादा डीपली एनालाइज भी नहीं करना पड़ा है। एंड यार आप में से कोई भी जाकर के अगर ये क्लिप्स देखेगा तो यार वो भी यही बोलेगा। बढ़िया जाते ही एक नॉक शूट टू एक्टिवेट इसको। क्या कॉन्फिडेंस है बाबू का, कुछ डर नहीं, कुछ नहीं, सेंटर में अब मुझे समझा इसको कैसे स्पॉट हुआ।
क्योंकि अपने आंखों में फिनाइल भी डालता है। अरे दोनों ऊपर में दोनों किल था किल था किल था रुक थोड़ा सब ले इधर ले नहीं है खत्म है खत्म है सारा कर दिया वो ये पकड़ा गया अरे मैं ड्रॉप किया मैं वो है ना अपना किल था रुक थोड़ा वो है ना अपना वो एक्टर नायक मूवी वाला स्लैम दिया उसने अरे दोनों ऊपर ये फंसा किल था किल था किल था ये फंसा ये पकड़ा गया ये पकड़ा गया ये फंसा इसको रिवाइव दे मैं ट्राई कर रहा हूं स्मोक डाल दे नेट डाल दे थोड़ा स्मोक करके एक नेट डाल दे पूरा स्मोक से भरो स्मोक डालना थोड़ा जोनाथन हु जोनाथन मेरे से ले मेरे से ले मेरे पे बहुत सारा स्मोक है ले हु जोनाथन कृष्णा चार्ड इन द हाउस ब्रो कर 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 इधर ही चले ले डीबे दो राइट वन ये गेम बेंचत पहले खेलना था मतलब इसका मतलब ये था कि ये हैक पहले लगाना था। अबे बहुत भाई पता है बहुत गंदे लोग हैं बहुत गंदे लोग भाई भाई इनको पता है चैट ये मजाक की बात नहीं है बट ये बंदों को ना शर्म आना चाहिए। मेरे को मिल गए ना कभी रियल लाइफ में मैं तो भर दू माँ कसम चाटे चाटे दू चाटे ही चाटे मतलब ये बंदों को ना शर्म आना चाहिए कि लोग मतलब इतने बहुत गंदे है भाई ये बंदे जस्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने फन के लिए एक इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो नियो ऑल्सो यहाँ पर गॉड लाइक के करंट लाइनअप के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि क्या ये लाइनअप एक प्रॉमिसिंग लाइनअप है एंड उनका रिप्लाई इस चीज के ऊपर क्या रहता है वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़े तो नियो यहाँ पर गॉड लाइक के पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के बात करते हैं कि पहले कैसा होता था एंड अब के टाइम पर क्या सिनेरियो एंड यहाँ पर वो जेली के आई जिलिंग के ऊपर भी बात करते हुए नजर आ जाते हैं। ये टाइम प्रॉमिसिंग टीम लग रहा है गॉड लाइक का बट कुछ में I don't want to jinx it. Chat, jinx नहीं करना मेरे को। Godlike top 16 आएगी। Godlike top 16. देखो। मैं मतलब जब तक मैं रहा हूँ तब तक का मुझे पता है कि मैं मतलब वो प्लेयर्स के साथ खेला हूँ ठीक है मतलब स्पेशली जॉनी के साथ तो अभी ऐसा टाइम ऐसा हो चुका है ना गाइस कि अभी जॉनी भी मतलब वो इतने टाइम से ऑफिशियल में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए आई गेस तीन ऑफिशियल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सीन क्या होता है कि वो राउंड वन राउंड टू ना निकाल लेते थे बट जो वो मेन आता था ना टाइम तो वो टाइम पे थोड़ा जो नेचुरल गेम है ना वो निकल के नहीं आता था मेरा भी नहीं आता था मैं भी थोड़ा पैसिव हो जाता था ठीक है वो टाइम पे थोड़ा हम लोग ऐसा डर के खेलते थे ठीक है तो वो दिन मतलब वक्त हो गया थोड़ा बीजे स्टार्ट होने के पहले मेरा जॉनी से बात हुआ था ठीक है मतलब गॉड लाइक छोड़ने के बाद ही तो वो टाइम पे मैंने उसको कहा था पूछा था मैच का भी वो तो मैंने उसको बोला था भाई ये टाइम जो भी है नेचुरल गेम प्ले खेलना तो मेरे हिसाब से ये टाइम टीम जो गॉड लाइक की है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। बाकी इस पर्टिकुलर में सिर्फ इतना ही मैं भी शतौर में टॉप 6 लीडर में साइनिंग ऑफ।